हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कर रही हूँ पैकिंग कुछ गिफ्ट्स। तो यहाँ पे तीनों पैकिंग रेडी है और यहाँ पे बलून्स भी रेडी है और यहाँ पे मैं गाड़ी में सारी चीज़ें लोड कर रही हूँ। तो ये सब देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि कुछ तो चल रहा है, कुछ तो होने वाला है। तो एक्चुअली यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला है, ये सरप्राइज बर्थडे है। तो रात को ही मैंने सारा कुछ प्लान कर लिया था, तो सारा कुछ रेडी कर लिया था। तो अभी जा रहे स्कूल सुबह सुबह। मैं आज थोड़ा सा ज़्यादा ही रेडी होके आ गई और बाकी सब भी सही है क्योंकि ये सरप्राइज बर्थडे है। हमारा जो स्कूल जाने का रास्ता है इतना सुंदर है, तो उसी रास्ते में हम एक जगह पे रुके और वहाँ पे किया केक कट और सर ने बजाया माउथ ऑर्गन, जो उनका हिडन टैलेंट था। हमको तो पता ही नहीं था, लेकिन मेरे फ़ोन पे इतना अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ, फिर भी आप सुनो, बहुत अच्छा लगा। নালাগে হব, মই উঠাই আছো। আজি বুঢ়ীয়ে দেখাই আছে দেই মনীষা, ধুনীয়া লাগিছে। আইঔ ইমান ঠাণ্ডা। হেপি বাৰ্থডে টু ইউ, হেপি বাৰ্থডে টু ইউ, থ্যাংক ইউ। तो कैसा लगा आप सबको? आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा। तो हम लोग आज 10-15 मिनट पहले ही निकल गए थे स्कूल के लिए ताकि हम लेट ना हो जाए स्कूल जाते वक्त। तो हमने ये 10-15 मिनट हमने रास्ते पे हमने सेलिब्रेट किया, कुछ नया हुआ, बहुत अच्छा लगा। और फिर सर ने ड्राइव किया और हम लोग केक खाते खाते स्कूल पहुँच गए। और इधर भाई दो लोगों को तो पेशेंस ही नहीं है, गिफ्ट तभी खोलना है। हाँ, मुझे भी कहाँ पेशेंस रहता है। तो उन लोगों ने गिफ्ट खोला और सबको बहुत पसंद आया गिफ्ट। एक्चुअली आप सोच रहे होंगे बर्थडे एक जन का है, सबको क्यों गिफ्ट दिया? एक्चुअली कुछ दिन पहले सर और वो बाका भी बर्थडे था, जहाँ पे हमने बर्थडे पार्टी तो खा लिया लेकिन गिफ्ट नहीं दिया था। तो फिर टाइम भी नहीं मिल रहा था, इतना हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था हम सबका। तो फिर हमने सोचा कि एक साथ ही बर्थडे में गिफ्ट दे देते हैं। और सर ने अपना गिफ्ट रैप खोला स्कूल आके, तो सर को भी बहुत पसंद आ गया। अभी आप सोच रहे होंगे हम लोग फिर से कहाँ जा रहे हैं, एक्चुअली पार्टी तो पेंडिंग है ना अभी भी। तो स्कूल छुट्टी होने के बाद आएंगी पार्टी और हम लोग जा रहे हैं आरोहण सेनेरिटी, जो हमारे स्कूल के रास्ते में ही पड़ता है। एक्चुअली आरोहण आने का प्लान तो 6 मंथ से बन रहा था, वो फाइनली आज जाके पूरा हुआ। ओह माय गॉड, मोनीसा मैम लिखी से, स्पेलिंग तो अलग मिस्टेक हुई से, मोनी सा लिखी से मैम, मेरा गाड़ी का ये वाला पार्ट खुल गया ऑटोमेटिकली। जिस दिन फर्स्ट डे ट्रेनिंग था उसी दिन हम लोग ट्रेनिंग से निकले और देखा कि ये नीचे पड़ा हुआ था, तो पता नहीं कैसे क्या हुआ, ये एक मिस्ट्री होके रह गया। आई नो गाड़ी पे थोड़ा सा भी क्रोच आ जाए तो बहुत पेन फील होता है, लेकिन अभी दुख दर्द का बात ना करते हुए अभी फोकस करते हैं जहाँ आए हैं उस जगह पे। ओह माय गॉड, और फिर सर को हमने बना दिया कैमरामैन और इतना हवा चल रहा था कि उसमें लहराते हुए बाल को उड़ाते हुए हम लोग पहुंच गए रिजॉर्ट के अंदर। और वहां पे रुके नहीं हम, एक के बाद एक धराधन फोटो ले लिया, वीडियोस बना लिया, जो आप सबको रील्स पे मिल जाएगा। और इसी तरह से बहुत सारे वीडियोस और फोटोज लेने के बाद लग गया भूख, तो खाना भी आ गया था तब तक।
और इतना टेस्टी था खाना, आई मस्ट से यहाँ का जो वेजिटेबल है मिक्स वेजिटेबल वो आप खा के देखो एक बार, और जो पनीर टिक्का मसाला है वो आप एक बार खा के देखो, जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। हम लोग तो कभी नहीं भूलने वाले। और यहाँ का जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, चिल्ड्रन पार्क भी है यहाँ पे और कॉटेजेस भी है रहने के लिए। हाँ थोड़ा सा कॉस्टली है, हाँ खाने का प्राइस भी थोड़ा सा कॉस्टली है और यहाँ के कॉटेज के प्राइसेस भी थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन यहाँ पे सारा दिन कैसे कट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। 2 to 3 hours हम यहाँ पे रुके थे, कैसे चला गया हमको पता ही नहीं चला। इवनिंग में आएंगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन डे टाइम इज बेस्ट। Just looking like a wow. 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 और इस रिजॉर्ट का बेस्ट पार्ट है रिवर साइड एरिया। उस एरिया में तो आप जाएंगे तो वहाँ से घूम के आने को मन ही नहीं करेगा, और स्पेशली विंटर्स में, मतलब नवंबर टू मार्च अप्रैल तक तो ऐसा ही रहने वाला है। आप खुद ही देख लो यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा है, चारों ओर हवा ही हवा, बस यहाँ पे बैठे रहे और नज़ारा देखते रहे आपका तो दिन ही पार हो जाएगा। और अगर आपको फ़ोटोज़ लेना पसंद है तो फिर तो यहाँ पे आप जितने भी फ़ोटोज़ ले लो आपका मन नहीं भरने वाला, इतना सुंदर है। और यहाँ पे ही सारे कॉटेजेस भी है, एकदम बोले तो परफेक्ट। तो यूँ ही घूमते फिरते टाइम हो गया घर जाने का, ज़्यादा लेट भी नहीं कर सकते और उसके बाद हम रिटर्न होने लगे। आज तो ऐसा लग रहा है कि मन भरा ही नहीं, लेकिन हम फिर आएंगे और एक दिन ज़्यादा टाइम लेके, लेकिन आज के लिए तो हमें जाना ही होगा। तो फिर आज के लिए हम चलते हैं और ये ब्लॉग भी हम यही एंड करते हैं। तो फिर हम फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। ओ हाँ, ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। सो सबे कोई नहीं, बाय बाय आरोहन, बाय बाय।